हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने घर के लिए एक अच्छा पर्सनल ट्रेडमिल लेना चाहते हैं? देन ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ लाइफ लॉन्ग ट्रेडमिल का, जो आपको अराउंड 15,000 to 16,000 में आराम से मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आप इसका अमेजन रिव्यू देख लीजिए, 1500 से भी ज़्यादा कस्टमर रिव्यूज़ आपको इधर देखने को मिल जाएगा एंड इसका रेटिंग लगभग 4.5 से भी ज़्यादा है। सो ये है लाइफ लॉन्ग का फिट प्रो LLTM09 मॉडल, जो मैं 1 week पहले अमेजोन से परचेज किया हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसे फोल्ड करके रखा हूँ। इसे आप आसानी से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, तो चलिए इसे अनफोल्ड करते हैं। ये देख सकते हैं इधर एक नॉब दिया हुआ है, इसे आपको घुमा के निकालना है एंड जो रनिंग ट्रैक है उसको अनफोल्ड कर लेना है। इसमें आपको नॉर्मल 3-pin प्लग मिल जाएगा, तो चलिए प्लग को सॉकेट में इंसर्ट करते हैं एंड पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। देन नीचे आपको फ्रंट साइड में एक पावर स्विच मिल जाएगा, आपको इसे ऑन कर देना है। ये है ट्रेडमिल का कंट्रोल पैनल, इसमें फोन चार्जिंग के लिए एंड पेन ड्राइव इंसर्ट करके गाना सुनने के लिए USB पोर्ट दिया गया है। एक 3.5mm पोर्ट भी इधर दिया हुआ है, जिधर आप ऑक्स केबल को यूज़ करके फ़ोन के साथ डायरेक्ट इस ट्रेडमिल को कनेक्ट कर सकते हैं एंड फ़ोन से डायरेक्ट इधर म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। म्यूज़िक के लिए इधर वॉल्यूम अप एंड डाउन, प्ले एंड पॉज, ट्रेडमिल में ही बटन दिया गया है। दोनों तरह इसका स्पीकर मिल जाता है, जिसका साउंड ठीक ठाक है। अभी आते हैं मेन फीचर्स में। इधर एक ग्रीन बटन दिया गया है ट्रेडमिल को स्टार्ट करने के लिए। इसे प्रेस करते ही 3 सेकेंड वार्निंग देके ये ट्रेडमिल का जो रनिंग ट्रैक है वो 1 km/h स्पीड में स्टार्ट हो जाएगा। ये है स्पीड इंक्रीज का बटन। ये जो मिडिल में बटन दिया गया है, इसके हेल्प से आप डायरेक्ट 3 km/h, 6 km/h एंड 9 km/h में रनिंग ट्रैक को रन कर सकते हैं। ट्रैक को स्टॉप करने के लिए आपको इधर रेड कलर का स्टॉप बटन दिया हुआ है। इस लाल बटन को प्रेस करने के बाद आपका ट्रैक, जो रनिंग ट्रैक है, वो धीरे धीरे स्टॉप होगा, सडनली ये स्टॉप नहीं होगा। सो आपको गिरने का कोई डर इधर नहीं है। प्रोग्राम बटन का हेल्प से आप बहुत सारा रनिंग प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, लाइक 10 मिनट तक आप 2 km/h स्पीड में रनिंग करेंगे और 10 किलोमीटर तक 3 km/h में आप रनिंग करेंगे, लाइक दैट। मोड में आप गोल बेस्ड रनिंग कर सकते हैं, लाइक टाइमर, कितना देर तक आप रनिंग करना चाहते हैं, और कैलोरी बेस्ड रनिंग, कितना कैलोरी आप बर्न करना चाहते हैं। गोल खत्म होते ही रनिंग ट्रैक अपने आप बंद हो जाएगा। डिस्प्ले का इंडिकेटर्स के बारे में अभी आप आपको थोड़ा बता देते हैं। इसमें टोटल 5 इंडिकेटर्स शो करता है। एवरी टाइम क्या शो कर रहा है वो भी इधर हाईलाइट हो जाता है। अभी देख सकते हो स्पीड हाईलाइट हो चुका है एंड स्पीड शो कर रहा है। अभी कितना डिस्टेंस आप रनिंग कर चुके हैं वो शो कर रहा है। अभी कितना कैलोरीज आप बर्न कर चुके हैं वो शो कर रहा है। ये है हार्ट रेट इंडिकेटर। हैंडल का दो साइड में हार्ट रेट सेंसर दिया हुआ है। दोनों हाथ सेंसर के ऊपर रखने के बाद आपको ये अपना हार्ट बीट का रेट बताएगा, जो अभी मेरे लिए है 69।
देन कितना टाइम रनिंग ट्रैक चल रहा है इधर आपको शो कर देगा। दोनों साइड में बॉटल और फोन रखने के लिए जगह दिया गया है। इसमें आपको एक सेफ्टी पावर कट ऑप्शंस भी मिल जाता है, जस्ट लाइक एन फ्यूज। आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है और आपका बटन कभी काम नहीं कर रहा है, देन आप इस मैग्नेटिक सेफ्टी को रोप का हेल्प से इस कंसोल से रिमूव कर सकते हैं। देन ट्रेडमिल ऑफ हो जाएगा एंड फ्यूज को लगाने के बाद ही ट्रेडमिल फिर से स्टार्ट हो सकता है। इसका जो रनिंग ट्रैक है वो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप भी मिल जाएगा। दोनों तरफ छोटा छोटा व्हील दिया हुआ है जिसका हेल्प से आप इसको इस ट्रेडमिल को आसानी से एक रूम से दूसरे रूम में मूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा इसको यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। इस ट्रेडमिल का जो स्ट्रक्चर और बॉडी है वो बहुत ही स्ट्रांग है एंड इसका जो फ्रेम है उसमें आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल जाता है। इसका जो मोटर है उसमें आपको 3 ईयर का वारंटी मिल जाता है एंड बाकी जो पार्ट्स है उसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिल जाता है। 10 किलोमीटर पर आवर का इधर आपको टॉप स्पीड मिल जाता है। HP का मोटर इसमें दिया हुआ है एंड इसमें नॉइज भी काफ़ी कम होता है। इस ट्रेडमिल को असेंबल करना भी बहुत ही आसान है, ओनली 3 पार्ट्स में ये आता है एंड जस्ट आपको स्क्रू से इसे फिट करना है। मार्केट में मुझे इस प्राइस रेंज में ओनली 3 अच्छा ट्रेडमिल मिला है। एक है लाइफ लॉन्ग का ये वाला मॉडल, सेकेंड है कॉकाटू का CTM05 जो मेरा एक दोस्त रिसेंटली खरीदा है तो मैं उसे देख चुका हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड थर्ड है पावर मैक्स का TDM98, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो अगर आपको इस प्राइस रेंज में ट्रेडमिल खरीदना है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस तीनों में ही किसी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इस सब का स्ट्रक्चर भी अच्छा है, वारंटी भी बढ़िया है एंड जो फंक्शन से और जो फीचर से वो भी काफ़ी सिमिलर है। सो ये था फ्रेंड्स मेरा नया ट्रेडमिल का रिव्यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस ट्रेडमिल के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर इसका जवाब जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए।